उत्तराखंड समाज के लोगों ने चैत्र मास की संक्रांति के उपलक्ष्य में फूलदेई नामक लोक पर्व को आज बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि सुबह से ही बच्चे सज धज कर फूलों की टोकरी लेकर जब फूलदेई मनाने निकले तो नजारा ही कुछ अलग था, पर परंपरागत सजी धजी लड़कियों की मौजूदगी ने त्योहारों को एक अलग ही रंग दिया। दरअसल सबसे पहले बच्चों की सामूहिक टोली राज्यपाल के द्वार पर पहुंची, जहां उन्होंने राजभवन के द्वार पर एक साथ मिलकर रंग बिरंगे फूलों की बरसात की। इस मौके पर राज्यपाल ने बच्चों का स्वागत कर बच्चों को उपहार भेंट किया। जब ये देवी स्वरूपा बेटियां यहाँ आई हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक धन धान्य से पूर्ण होने का संदेश होता है। एक लक्ष्मी है ये, जिससे घर हरा भरा रहता है, सुख शांति रहती है, आर्थिक रूप से मजबूत रहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने नारा दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये उसका भी प्रतीक है। हम प्यार करना है, सम्मान देना है, और ये लगातार देश के लिए अपने उत्तराखंड के लिए काम करती रहें, ऐसी शुभकामनाएं। ये जो एक उत्तराखंड की विलुप्त होती हुई संस्कृति थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए मैथानी ने ये चलाया है और लगभग 17 साल से ये चल रहा है। मैं सोचती हूँ कि ये अब निरंतर चलता ही रहेगा गंगा माँ की तरह, और चलता भी रहना चाहिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के देहरादून स्थित आवास पर बच्चे फूलदेई मनाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर बच्चों ने फूलदेई के गीत और मंगल गीत गाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत ने भी बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला लोक पर्व फूलदेई मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान से कामना की कि वसंत ऋतु का ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लाए। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आए बच्चों को उपहार भेंट किए। अच्छा, उस संदेश थोड़ा आपका क्या है फूलदेई को लेकर? आज फूलदेई प्रारंभ और मैथानी जी के द्वारा 17 वर्षों से जो इस तरह का प्रयास और अभियान लिया है, एक अपने आप में ऐतिहासिक है। और उन कन्याओं के द्वारा जो हमारी पूजनीय हैं और अपने आप में बहुत ही हमारे एक कह सकते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति और वसंत ऋतु उसकी याद दिलाती है, और इसके लिए मैं मैथानी जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने एक इस प्रकार का अभियान प्रयास किया है। तो बहुत ही अच्छा और सफल, और आपके माध्यम से मैं इन बच्चियों को कन्याओं को उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और ये समाज और सब कुछ इन्हीं के द्वारा खड़ा होने वाला है, और ये वंदन करता हूँ कन्याओं का। वहीं फूलदेई पर्व मनाने निकली नौनिहालों की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जाकर उनकी देहरी पर पुष्प बरसाए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी बच्चों के स्वागत में पहले से ही अपनी देहरी पर खड़े थे। पूर्व सीएम ने परंपरा अनुसार बच्चों को उपहार भेंट किए। बधाई दूंगा कि फूलदेई का जो लोक पर्व है हमारा उत्तराखंड का, उसको लोग भूलते जा रहे थे, और आपने सतत विगत 17 वर्षों से इसके लिए प्रयास किया, और आज ये केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर भी 5 राज्यों में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जो हमारी लोक संस्कृति है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति बनती है। वहीं हल्द्वानी में भी फूलदेई का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां बच्चों ने घर घर जाकर लोगों के घरों और मंदिरों में फूलों से देहरी पूजन किया। वहीं लोगों ने बच्चों को तरह तरह की मिठाइयां और पैसे दिए। इस मौके पर फूलदेई मनाने वाले बच्चे भी बेहद खुश नजर आए, और उन्होंने उत्तराखंड की जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, हमें यहाँ बहुत मज़ा भी आ रहा है। हम लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ फूल वगैरह डालते हैं, वो हमें उपहार के भेंट में गुड़ और चावल देते हैं। हमें ये संस्कृति मनाने में बहुत मज़ा आता है, और हमें बहुत खुश है ये संस्कृति मनाने में। धन्यवाद। हम बहुत उत्साह से मना रहे हैं, हम यहाँ लोगों के घर आस पड़ोस में जाके डेली का पूजन कर रहे हैं, और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये लोग हमको उपहार के रूप में चावल गुड़ और बहुत सारी उपहार दे रहे हैं, तो हम इस त्यौहार को बहुत उत्साह से मना रहे हैं।
वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि फूलदेई त्योहार उत्तराखंड की परंपराओं का एक हिस्सा है जो आज विलुप्त तो होने के कगार पर है, लिहाजा नई पीढ़ी को ये बताना जरूरी हो गया है कि हम किन किन त्योहारों को किस रूप में मनाते हैं। लोगों की एक सांस्कृतिक विरासत है फूलदेई त्योहार। कुमाऊं में जो है जो कन्याएं होती हैं उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उनके हाथों से फूल और चावल के साथ देहली की पूजा की जाती है। देहली का मतलब मुख्य द्वार है। देहली की पूजा इस आशय से की जाती है कि आपका घर जो है सुख शांति संपदा के साथ बना रहे और खुशहाली आपके घर में बनी रहे। और एक तरीके से फूलदेई से ही हमारे हिंदू कैलेंडर में आज हम इसको पहला दिन बोलते हैं, तो आज हमारा फूल संक्रांति का भी एक हिस्सा है कि आगे इसको बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज सबसे मुख्य मकसद हमारा इस सारी चीज़ के पीछे ही है। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, लोग उन्हें मनाना धीरे धीरे कम कर दिया है, लेकिन तकनीक के इस दौर में हम चाहते हैं कि वापस जो है फिर से फूलदेई इतना खूबसूरत त्यौहार है जिसके लिए बच्चों को इंतजार हुआ रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक हर साल इसको बढ़ चढ़ कर मनाया जाए, जिससे कि वापस फिर से वही रौनक फिर से लौट आए जैसे पहले सदियों पहले हुआ करती। पहाड़ में खुशियों का त्यौहार है, वसंत ऋतु आती है, नई फसलों का आगाज होता है, तो बच्चे घर घर जाते हैं, देहली पे फूल बरसाते हैं और इसमें एक काम मनोकामना करते हैं कि हमारे जो पुराने ज़माने में हम लोग भकार बोलते थे स्टोरेज के लिए, जो धन धान्य के लिए कहते थे कि भकार भरे रहें, तो वो एक आह्वान करते हैं अपने इष्ट देवताओं का कि हमारे घर खुशियों से भरे रहें, फूलों से सुसज्जित रहें, हमारा घर जो है धन धान्य अनाज से भरपूर रहे। और अपनी परंपराओं को आगे भी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहाड़ के लोक परंपराओं को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, तभी बच्चे उससे वाकिफ हो पाएंगे। और प्योली हमारे उत्तराखंड में वसंत के आगमन का भी एक जरिया है। जब वसंत अपने चढ़ाव पे होता है उस समय पीले फूल खिलते हैं, और फूलदेई में इसका बहुत महत्व है। उस रोज़ बच्चे घर घर जाके चावल डालते हैं, बांस की टोकरी में फूलों को रखते हैं और लोगों के द्वारों में देहली में चावल और ये फूल डालते हैं, तो वहाँ से उन्हें फिर जो घर वाले होते हैं उन्हें पैसे देते हैं। गौरतलब है कि पहाड़ की संस्कृति के अनुसार इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ों में अनेक प्रकार के सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। माना जाता है कि घर की देहरी पर फूल रखने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस पर्व की झलक लोक गीतों में भी देखने को मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत और हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।